PollBaazi is all about majority. Very good. अब अगर आपने अपना जो भी आपका जवाब है जनता के जवाब से मैच हो गया तो वो सही जवाब हो जाएगा. ऐसे अगर आपने 800 सवालों के जवाब दे दिए जनता के साथ साथ तो आप 10,000 रुपए में से अपना हिस्सा जीतने जाएंगे. हैप्पी लोहड़ी. आज भी नॉर्थ इंडिया में लोहड़ी मनाई जा रही है तो वेरी वेरी हैप्पी लोहड़ी टू यू अगर आप मना रहे हैं. ऊपर एक बहुत प्यारा सा दिल है. इस दिल का इस्तेमाल आप PollBaazi में वन टाइम कर सकते हैं. हाँ. कोई भी जवाब जनता के जवाब से मिसमैच हो जाता है लाइव यूज करके बाउंस बैक कर जाइए. और अगर एलिमिनेट हो भी जाते हैं वरी नॉट माई फ्रेंड. हाँ. PollBaazi में आप एंड तक पोलिंग कर सकते हैं, अपना ओपिनियन बता सकते हैं. हाँ. कौन हारेगा कौन जीतेगा. हाँ. आप डिसाइड करेंगे. थैंक यू आंटी. 15,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ. थैंक यू. वेलकम. दिल से मेरी आवाज को सुनिए. फोन स्क्रीन को घूरिए. आंटी स्टॉप इट आंटी. शुरू करो. ओके. एक्साइटमेंट बिल्डअप हो रहा है. क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पर. आप मुझे बताइए. हाँ. मर्द जो होते हैं मेन जो होते हैं वो अपने पार्टनर में इन तीनों में से कौन सी क्वालिटी ढूंढते हैं. हाँ. सुडोल यानी कि कर्वी बॉडी. हाँ. केयरिंग नेचर या घर संभालने की क्षमता है तो पार्टनर अच्छी है. अच्छा ये सुडोल शरीर की बात बताए तुम्हें पहली वाली कि ये मर्द जो है ये खुद तो बन जाते हैं एकदम आलू टिक्की जो एकदम तेल में तली हुई होती है बड़ी बड़ी है ना. हाँ. और चाहते हैं ये पापड़ी चाट पतली क्या है जरूरत है ये बताए. जो आप कहना चाह रही है वो मैं समझ गई हूँ लेकिन आप कुछ अच्छा एग्जांपल भी दे सकती थी ना. पपड़ी और टिक्की से क्या कंपेयर कर रही है? बता रहे हैं. दूसरा ऑप्शन जो है कि सबका ख्याल रखना ये हम बहुत बढ़िया से करते हैं सबका ख्याल रखते हैं. आंटी आप दूसरों पर नजर रखती हैं प्राइवेसी की इन्वेजन करती हैं. नजर रखना और ध्यान रखने में फर्क होता है. अरे फर्क क्या होता है जब तक नजर नहीं रखेंगे कैसे पता चलेगा किसको ख्याल चाहिए. जनता ने भेज दिया अपना जवाब. हाँ. वो कहते हैं कि अगर वो केयरिंग नेचर. हाँ. है सबका ख्याल रख सकती है. हाँ. तो बस वो अच्छी पार्टनर बन जाएगी. भाई तो है हम सबका ख्याल रखते हैं हमें चाहते हैं सब. डोंट बी लाइक पुष्पा. अच्छा तीसरा ऑप्शन जो था तुम्हारा कि वो घर संभालने वाला क्या ऑप्शन है. घर आपका बहुत भारी है क्या हाथ पे संभालना है उस लड़की को है क्या. हाँ, क्या बिल्कुल यस महिला मुर्जा यस. और क्वेश्चन नंबर 2 पर अब हम आ चुके हैं. आप मुझे बताइए इन तीनों में से महिलाओं का वुमेन का सबसे बड़ा फितूर ऑब्सेशन क्या है. कपड़े मतलब हर स्टाइल के कपड़े या सफाई होनी चाहिए भाई या फिर कैलोरी कितना खाए कितना ना खाए. ये फितूर मेरा लाया मुझको है तेरे करीब. बंद करेंगे जगराता अभी. आज फोकस ऑप्शन आंटे. अच्छा हम बता रहे हैं कि हमारा फितूर क्या है ठीक है. अब देखो जब जया ने अपने हस्बैंड से पूछा सुनो मैं मोटी लग रही हूँ तो उसके हस्बैंड ने क्या जवाब दिया क्या? ये हमारा फितूर है. और बताए तुम्हें सरमाइन जब कहती है हम कैसी लग रहे हैं तो हस्बैंड कितनी देर में आंसर देगा वो हमारा फितूर है. बेसिकली दूसरों की जिंदगियों में झांकना. हाँ. और फिर लड़ाइयां करवाना. अच्छा ये कहाँ बोला हमने. जनता का जवाब आ चुका है. कहते हैं महिलाओं का ऑब्सेशन अकॉर्डिंग टू जनता इज कपड़े क्लोथ्स एंड लॉट्स ऑफ क्लोथ्स. अच्छा तुम्हारा पितूर क्या अपना बताओ. अजी मैं किसी चीज पे ऑब्सेस नहीं करती हूँ लेकिन कॉफी के साथ ना मुझे सब कुछ अच्छा लगता है. कॉफी के साथ क्या मिलता है ना. कॉफी के साथ पकौड़े खाते हैं ना. कॉफी के साथ कुछ एकदम साथ में कुछ पापड़ी चाट होती है ना. कॉफी के साथ पुष्पा आंटी होती है. दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट कॉफी. हाँ जी. क्वेश्चन नंबर 3 पर आ चुके हैं. 14,000 से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं. थैंक यू वेरी मच. अब चलिए आप मुझे बताइए इन तीनों में से वो कौन सा सवाल है जिसका जवाब कभी नहीं मिल सकता. क्या विकास आंटी ऑप्शन क्या विकास आ गया. Who let the dogs out? Who? I mean, या फिर क्यों चलती है पवन. ये तो हम बताते हैं क्यों चलती है पवन क्यों झूमे है गगन क्यों मचलता है मन ना तुम जानो ना हम. ये तो गाना हम गाते कैसे बनी पुष्पा आंटी एक्सपर्ट. ये भी ना तुम जानो ना हम. How did this happen? आंटी ऑप्शंस पे फोकस करेंगे. Who let the dogs out? हमें क्या पता. जिनको कुत्ते नहीं पसंद है उन्होंने घर से बाहर बोल देंगे जाओ घर के बाहर जाओ. ये विकास जो है ये विकास तो रोज घर पे टाइम पर आता है. उसकी बीवी जो है वो थोड़ा लेट हो जाती है. आंटी ये वो विकास नहीं है ये है वो दूसरा वाला लोक वाला विकास. नहीं जनता का जवाब आ चुका है. कहते हैं एक सवाल जिसका जवाब नहीं मिल सकता वो है. हाँ. क्या विकास आ गया. विकास कौन सा विकास मतलब विकास बहल विकास मल्होत्रा विकास अरोड़ा कौन सा विकास. अरे टेलीफोन डायरेक्टरी. विकास से शादी करना चाहती हो हम ढूंढते हैं विकास तुम्हारे लिए. वैसे विकास क्या बोलेंगे विकास विधि का विकास बहुत अच्छा. अच्छा आजकल तो लोग सोता करते हैं जैसे विरुष का तुम्हारा कर देंगे हम विवाह.
बहुत बहुत अच्छा बहुत आई डोंट इवन नो व्हाट टू से. क्वेश्चन नंबर 4 पर अब हम आ चुके हैं. आप मुझे बताइए आपको दुख कब होता है, मतलब इन तीनों में से वो कौन सी कंट्री है जिसका कमजोर क्रिकेट खेल प्रदर्शन आपको दुखी कर देता है? अच्छा अच्छा अच्छा. पाकिस्तान का, श्रीलंका का, वेस्ट इंडीज का. ये तीनों टीम्स जो है ना, ये मतलब काफी अच्छी थी लेकिन अब अच्छा नहीं खेलती. इसलिए ये पाक रुक गए ना, तो मैं बोलना चाह रही ठीक है तो ये विकास अभी भी विकास में हटके हुए. अच्छा पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तो बुरा लगेगा ही है ना. क्यों? उनका हैंडपंप उखाड़ के ले आया अपना सनी देओल है ना. लगान फिल्म में भी उसको नहीं खिलाया पाकिस्तान को, भुवन ने नहीं रखा ना. और बताए तो टीवी तोड़ देते हैं उनका है ना. मुझे पता है खुशी कब मिलेगी, जब पुष्पा आंटी पाकिस्तान चली जाएगी और वहीं सेटल हो जाएगी, पाकिस्तान खुश हो जाएगा. पाकिस्तान से याद आया एक चीज, क्या तुम हमारे साथ गाओगी? जनता का जवाब आ चुका है. जनता काफी क्लियरली कहती है पाकिस्तान की खराब परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया को दुख होता है क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच देखने का सबको मन करता है. भाई तो कह रहे मौका मौका गाइए मौका उमर मारेंगे चौका. तबियत खराब हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 5 पर अब हम आ चुके हैं. आप मुझे बताइए कि इन तीनों में से वो कौन सा स्टाइल है जिसमें लोग पिक्चर लेना बहुत पसंद करते हैं, मतलब अच्छा, ये अच्छा, कौन सा स्टाइल हाँ. जीभ निकाल के पिक्चर लेना या विक्ट्री का साइन दिखाते हुए पिक्चर लेना हाँ. या पाउच करते हुए यू नो द फिश फेस. ये क्या है, मतलब जीभ क्यों निकालेंगे हम फोटो करते हैं? स्टाइल है. चलो आप भी ट्राई करो. 1 2 3 जीभ निकालो. हम नहीं करेंगे. Come on, आंटी. नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, जीभ निकाल के फोटो नहीं करेंगे. विक्ट्री साइन. विक्ट्री साइन क्या है? क्या है ये तो सलमान खान है वी. उसने बोला था काफी विक्रम बम वी. आंटी हर चीज, हर वी का मतलब एक ही नहीं होता है. दो सलमान खान, दो वी हैं. भी है वो पाउट पाउट. अच्छा हमारी फोटो देखना चाहोगी? हाँ हम लेकर आए, दिखा इनको फोटो. नहीं ये देखो बढ़िया लग रहे हैं, सुंदर एकदम. कौन लेता है ये पिक्चरें? अरे हमने खिंचवाई है एकदम फोटोग्राफर से. आंटी डर जाएंगे लोग. ये एक तो दूरबीन इनकी और इनका पाउट ऐसे नहीं होता है आंटी, उल्टी तरफ होता है. जनता का जवाब आ चुका है. वो भी कहते हैं कि पाउट पाउट के साथ ही वो पिक्चर लेने जाते हैं. आंटी ट्राई दिस, मेरे साथ साथ कीजिए. आंटी द इनसाइड. अरे ठीक है कोई बात नहीं. और चलो आगे बढ़ो. हाँ क्वेश्चन नंबर 6 पर अब हम आ चुके हैं. 203 लोग यूज कर चुके हैं अपनी लाइफ, वापस आ चुके हैं. आंटी शर्मा गई लगता है. कोई नहीं जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए. आप मुझे बताइए इन तीनों में से कौन सी जगह पर आप चाय पीना पसंद करेंगे? टपरी पर या वेंडिंग मशीन वाली चाय या कॉफी ही बस आपका पॉइजन है, आप कॉफी के अलावा कुछ नहीं पी सकते. काफी कमजोरी है, काफी कमजोरी है. कमजोरी हो रही है तो दवाई लीजिए आप. हम स्प्रे व्रे दे दे वो लगाइए, मलम लगाइए. आप कहाँ पीती हैं चाय? देखो हमें चाय हमें बहुत पसंद है ठीक है. जब भी हमारा चाय पीने का मन करता है तो सबसे पहले हम फोन उठाते हैं और जया को फोन करते हैं, कहते हैं सुनो एकदम इलायची इलायची पीस के रखो हमारे यहाँ चाय पीने, हमारे लिए बना के रखो. आप खुद नहीं बनाती चाय? हम नहीं बनाते. क्यों बनाए? मतलब वेंडिंग मशीन क्या हुआ? अरे वेंडिंग मशीन से सब कुछ निकलता है, कॉफी चाय कॉन्डम्स. कॉन्डम हाँ वेंडिंग मशीन से. हाँ जनता का जवाब आ चुका है. जनता कहती है कि टपरी वाली जो चाय होती है रोड साइड वो एकदम स्वादिष्ट मजेदार. अरे एक मिनट वेंडिंग मशीन से कॉन्डम निकलता है जी. जैसे हमें समझ में आ गया कि चाय पीने के लिए तो आपने कप रख दिया, अब कॉन्डम के लिए. आंटी रुक जाइए. आंटी आंटी कुछ सवाल ना आप गूगल से भी पूछ सकती है, सारे सवाल मुझसे मत पूछा करिए. तुम कह रहे हो तुम इससे पूछ रहे हो, तुमने ही बताया ना कॉन्डम निकलता है. बताओ आंटी. इंसर्ट कॉइन. इंसर्ट कॉइन. क्वेश्चन नंबर 7 सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग पर पहुंच चुके हैं. आप मुझे बताइए इन तीनों में से मर्दों का मेन का फितूर ऑब्सेशन क्या है? फितूर कितना फितूर करें आप. क्रिकेट का स्कोर जानना है बस उनका ऑब्सेशन है, या क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स इकट्ठा करना, या गाड़ियां कार्स एंड कार्स एंड कार्स. अच्छा विधि तुम्हें बता रहे हैं हां बात ठीक है कि लड़कों को ना एक बिल्कुल अलग चीज चाहिए होती है एकदम. आंटी फैमिली शो बता रहे हैं तुम्हें. वो चीज उन्हें सुबह भी चाहिए, फिर दोपहर में भी चाहिए, फिर शाम को ज्यादा नहीं चाहिए, रात को ज्यादा चाहिए. आंटी फैमिली शो है, ऑफिस में अलग चाहिए इन्हें फिर वो चीज. बताएं क्या? व्हाट बताएं? खाना. वो कहते हैं ना दिल का रास्ता पेट से होते हुए गुजरता है एकदम पेट के नीचे से. जनता का जवाब आ चुका है. वो कहते हैं कि मेन मर्दों का ऑब्सेशन है क्रिकेट स्कोर जानना, बस उनको क्रिकेट स्कोर बता दो वो खुश हो जाएंगे. अच्छा कह रहे हैं ना पेट से होते हुए गुजरता है एकदम प्यार की कश्ती में, लहरों की मस्ती में नीचे. बस आंटी बस. पवन के शोर शोर में नीचे गुजर है, वरन के शोर शोर. आप भी करिए. नोबडी वांट्स टू डू इट आंटी.
हल्लू निकल। इतना ज्ञान नहीं बांटना है आंटी, ओपिनियन देने के से दो टू डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8 पर अब आ चुके हैं, इट इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग। 11,000 से ज्यादा लोग जुड़े हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच। चलिए आप मुझे बताइए, तीनों में से वो कौन सी जगह है दिल्ली में जहां पर शॉपिंग करने में आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है? पालिका बाजार, सरोजनी मार्केट या खान मार्केट? ये तीनों मार्केट बहुत अलग है लेकिन मजा आता है। तुम्हें लगता होगा अलग है पर इन तीनों में एक चीज बिल्कुल कॉमन है, तीनों में आंटी को परमिशन नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तीनों में हम 500 का सामान 50 में करवा देते हैं उसी तुरंत। ऐसा मतलब आंटी खान मार्केट में ऐसा हो ही नहीं सकता? अरे हम करवाते, देखो वो पहले कहता है 500, हम कहते हैं 50, वो कहता है 400, हम कहते हैं 50, फिर हम मुड़ जाते हैं, फिर वो कहते हैं 300, हम कहते हैं 50, और फिर हम दूसरी दुकान पे चले जाते हैं, वो कहते हैं 50, हम कहते हैं नहीं लेंगे, नहीं लेंगे तुमसे कपड़े, नहीं नहीं नहीं। उसका दिमाग और समय क्यों खाया आपने? क्यों? अरे वो हम 50 में लाना चाहते थे। जनता का जवाब आ चुका है, वो कहते हैं सरोजनी मार्केट सबसे ज्यादा सैटिस्फाइंग एक्सपीरियंस है वहां पर शॉपिंग करना। तो सरोजनी में आप कभी जाएं, आपसे बात कर रहे हैं हम, तो तुम हमारा नाम ले लेना, ठीक है? जिसे सरोजनी के मार्केट से पब्लिक शेमिंग करते हुए मुझे धक्का मार के निकाल दे। सेम वे नहीं, इज्जत कहते हैं उसे, कि शॉपिंग करो और इज्जत के साथ। प्लीज 121 लोगों ने लाइफ यूज कर ली, फाइनल क्वेश्चन पे बड़े स्मार्ट है आप, गेम में वापस आ गए एंड 1029 लोग जीत चुके हैं आज पोलबाजी का खेल। तो हो जाए आंटी इनके लिए बल्ले बल्ले, सावा सावा। तो कौन कौन जीत गया है आज का खेल जरा जान लेते हैं, आपके नाम भी पढ़ लेते हैं। तो बताइए जरा, अरे 9 रुपए जीते हैं आज गोपाल एस के, रोहित तो कल भी जीते थे आंटी, सुमन भी जीती, मैम भी जीती, विरुंदा, सिपून, साइलेंट जीतू, अरे जीतू कुछ ना कुछ तो बोला करो। सानिया मिर्जा भी खेल रही थी, सब खेल रहे आंटी आपके साथ, मतलब आप ही को देखने का इंतजार है लोगों को। हाँ चलो, तो अब मंडे को कब मिलेगा मौका आपको बाजी नाव पर पैसे जीतने? 1 PM खेलिएगा ब्रेन बाजी मिनी, 3 PM खेलिएगा पोल बाजी मिनी, 4:30 बजे खेलेंगे बिंगो बाजी, और 8:30 बजे खेलेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रेन बाजी क्विज। सो डोंट फॉरगेट टू रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया, लेटेस्ट एडिशन ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया। क्या बात है। तो अच्छा विधि, आज लोहड़ी है ना, लोहड़ी का एकदम अवसर है, तो तुम हमारे साथ चलो, हम पॉपकॉर्न मूंगफली वगैरह सब ऐसे उसमें फेंकेंगे, मजा आएगा, चलो ना हमारे साथ। हेलो